वैरागी की परिभाषा है जो भोर में जल्दी जागता है, जो भोगी हैं उनको सुबह नींद आती है, जो योगी हैं उनको आधी रात को नींद, वो सुबह नहीं सोते। वो लक्ष्मण वैरागी हैं जिनके लिए तुलसी बाबा ने क्या लिखा, उठे लखन निस बिहत विगत सुनि अरुण सुखा धुनिकान, उठे लखन निस विगत सुनि अरुण सुखा धुनिकान, गुरु से पहले जगत पति जागे राम सुजान। गुरु महाराज से और भगवान से भी पहले लक्ष्मण, लक्ष्मण जीव है, जीवात्मा परमात्मा की कृपा चाहता है, महात्मा की कृपा चाहता है, तो उसको भोर में जल्दी ही जगना चाहिए। तो वर्णन है, प्रातः दर्शनम तो प्रभाते च प्रातः संघव कालयो, प्रातः भगवत दर्शन कीजिए, धरती माता को वंदन प्रणाम कीजिएगा। तो निशीथा व्यापिनी भवेत, ये बात मैंने पहले भी बोली है, निशीत काल में जितना अंधेरा होगा उतनी गहरी नींद आपको आएगी। मोबाइल को बंद करके रखिए रात्रि को, एक 5-6 घंटे की नींद आराम से लीजिएगा। दक्षिण में मस्तिष्क करके, उत्तर में पाम फैला करके, बाई करवट लेकर के सोइए। रात्रि को बाथरूम वगैरह आ जाते हो तो फिर दाई करवट से सो जाइए, भोर में जब उठो तब दाई करवट से ही खड़े होइए। फिर हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर कैसे ऊपर नीचे जाता है, जाएगा ही नहीं। सोने के प्रभाव का फर्क माथे पर ज्यादा होता है। मस्तिष्क दो प्रकार से चलता है, एक लेफ्ट ब्रेन है और एक राइट, दायां और बायां। बहुत लोगों का बायां दिमाग चलता है, बहुतों का दाहिना दिमाग चलता है। बायां दिमाग चलता है लोग बड़े कमाऊ होते हैं, हनुमान जी के दर्शन करने को भी जाएंगे तो भीड़ देख करके कहेंगे, अरे भाई उस काम में तो आजकल फायदा नहीं है, क्यों नहीं मिठाई की दुकान यहीं कोई किराए पे मिल जाए, शनिवार मंगलवार को लड्डूआ बहुत बिकता है। जिसका लेफ्ट चलेगा वो सब जगह कमाऊ कमाऊ देखेगा। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, कहते हैं महाराज जी आपकी वीडियो कैसेट वैसेट वैसेट फोटो फाटो ये सब आप हमें बोल दो ना, ये सब हम कर लेंगे, सॉल पर सर्दी आ गई है सॉल पर आपकी फोटो छपवा देंगे। मैंने कहा क्या करोगे, हम अपनी सेल दुकान लगा लेंगे। मैंने कहा आपकी तो इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इतना काम चलता है, आप क्या करोगे। कहा नौकर बैठा देंगे ना, पैसा क्या बुरा लगता है। वो जहां जाएंगे वहां वो उनका लेफ्ट चलता है, बायां दिमाग, बायां दिमाग वाले तो मिट्टी उठा के सोना बना देते हैं जिनका बायां चलता है। और याद रखिएगा ऐसा पैसा 48 दोस्त भी लेके आ जाएगा, शराबी बना देगा, ज्वारी बना देगा, कबाड़ी बना देगा और बहुत दोस्त लेके आ जाएगा। एक है राइट दायां दिमाग, जिनका दायना दिमाग चलता है ऐसे लोग भजनानंदी होते हैं उदार, उनके दरवाजे से कोई भूखा नहीं जा सकता, कोई उनसे मांगने को आवे वो कभी किसी को मना नहीं कर सकते। जिनका दाहिना दिमाग चलता है वो बहुत ज़्यादा उदार प्रवृत्ति के होते हैं, किसी के दुख को देकर के रो पड़ेंगे, वो किसी का कष्ट सहन ही नहीं कर सकते जिनका दाहिना दिमाग चलता है। मैं सोनीपत की पवित्र व्यासपीठ से निवेदन करूँगा, हे मेरे भोलेनाथ इन सभी भक्तों का दाहिना और बायना दोनों चला दो, वाया चलेगा तो धन और दाहिना चलेगा तो धर्म। तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि बाईं करवट से सोइए, दाहिनी करवट से जागिए, ये सब दाहिना दिमाग चला देंगे। इस तरीके से यदि कोई जीवन जिया जावे तो इधर उधर भटकने की, बीमार होने की जरूरत ही कहाँ पड़ेगी। तो देखिए ये कथाएं तो हम आपको सुना ही रहे हैं अब 20 महीने से, खूब वैसे तो 26 साल से कथाएं सुना रहे हैं। इन कथाओं के साथ साथ में एक लाइफ सिस्टम और ठीक हो जाए, बेहतर अच्छे से अच्छा जीवन जी सकें। घर में गूगल की धूप रोज जलाइए, नज़र टोटके ये सब नहीं रहते घर में, घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती। आप कहते हैं बच्चे झगड़ते हैं, ये रूठ जाते हैं वो रूठ जाते हैं, 10 तरह की धूप आती है, मैंने कभी किसी कथा में वर्णित की थी,
दस ना मिले तो पांच तो मिल जाएगी, उसमें दो तीन ऐसी हैं जो मिलती नहीं है। कपूर जलाइए, कपूर बाग सिद्धि कर देता है, कपूर की इतनी बड़ी महिमा है। लोहवान जलाइए, खसखस जलाइए, ये सब चीजें बहुत प्रभावशाली हैं अपने आप में, ये कीजिए। और हमारे ग्रंथों में इन सब चीजों का बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। भोर में सुबह जागिए, धरती माता को मत्था टेक के प्रणाम कीजिए। दर्शनम तो प्रभाते च प्रातः संगम कालयो, प्रात है जब आप जगते, काल कहते समय को। वह लोग अपने समय को बर्बाद नहीं होने देते, उनका समय फालतू में खर्च नहीं होता। देखो समय बहुत कम है। परीक्षित राजा को सुखदेव भगवान ने कहा था कि कुछ खाने में चला गया, कुछ सोने में चला गया, कुछ कमाने में चला गया। अपने आप को बनाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए टाइम मिला ही का है। अब आप ही देख लें, पहले तो पढ़ाई में 25-26 साल निकाल दी, 25 निकाल दी, कुछ नहीं कर पाए अपने लिए। इतनी मेहनत करी दिन रात, हर समय दिमाग के ऊपर वही वजन रहा, कहीं फेल ना हो जाए, नंबर कम ना रह जाए, पापा का पैसा खर्च हुआ है वो डांटेंगे, तो इतना दिमाग के ऊपर लोड पड़ता है। वो 25 साल इस लोड में निकल गई पूरी। उसके बाद में हाल ही फिर विवाह हो गया, पत्नी आई, पति मिला, इतनी जिम्मेवारियां आ गई, इतनी जिम्मेवारियां कि पूरी दुनिया सिर्फ परिवार में ही सिमट करके रह गई। बच्चों का जन्म हो गया, उसको सब देख रेख उन सब ये सब कुछ करना, और कब 60 निकल गई पता भी नहीं लगा। अभी 60 में भी बच्चों का विवाह नहीं हो पाया। लगभग 70 साल हो जाती हैं, और 70 के साल में फिर वहां से लिफाफा आ जाता है ऊपर से, हाँ तैयारी है, वहां से निमंत्रण पत्र करो तैयारी, डेट तय हो गई है। कब किया है, कब किया अपने लिए, कोई चैन से तो दो रात कहीं रुक नहीं पाए। वृंदावन में गए तो चूहा भाग, बिल्ली आई, भागो 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 भागो, अभी डुकरिया पहुंची नहीं वृंदावन, तब से पीछे से बहू ने फोन भी कर दिया, कहा माँ जी ये तो टिंकू ज्यादा रो रहा है, सुबह आ जाना, ये मुझसे नहीं संभलता। अब टिंकू को जन्म दिया तो संभालो, अरे बुढ़िया बेचारी कब तक संभालेगी। पूरा का पूरा जीवन ऐसे धुना बुनी में निकल जाता है भैया। पूरा दिन 8-10 घंटा आप काम करते हैं, आपके पास अपने आपका डेवलपमेंट करने के लिए सुबह 5 बजे से लेके 6:30 बजे तक का टाइम है, बस अपने लिए, इसके अलावा कोई टाइम ही नहीं है 24 घंटे। 5 से 6:30 इसमें चाहे भजन कर लो, पूजा पाठ कर लो, अच्छी किताबें पढ़ लो, 5 से 6:30, क्योंकि दुनिया सो रही होती है उस समय, बस वो ही टाइम है आपको अपने लिए। सोच लो, विचार कर लो क्या करना है, थ्योरी सिद्धांत जो भी को स्वीकार कर, बस वही टाइम है 1.5 घंटा। लेकिन वो 1.5 घंटा सोने में निकलता है, खर्राटे भरे में निकलता है, अपने लिए फिर टाइम बचता ही कहाँ है, कहीं कोई टाइम नहीं। दिन में पति ऑफिस में जाएगा तो कभी तो पियर से फोन आ जाएगा, कभी सहेली से फोन आ जाएगा, कभी उठपटंग फोन आ जाएंगे, सो दिमाग पर दे टेंशन दे टेंशन दे टेंशन, कोई बीमारी का, कोई हारी का, कोई दुखारी का, कोई कर्जे लेने वाले का, कोई कर्जा देने वाले, बहुत दिक्कत परेशानी है। सुबह का जो घंटा 1.5 घंटे का जो समय है, यह है तुम्हारा डेवलपमेंट, यह तुम्हारा उत्कर्ष कर देगा। उसी के लिए यह वर्णन किया गया है, लिखा है कि दर्शनम तो प्रभाते चह प्रातः संगवह कालयो। अपना पूरा दिन जो बनाना चाहते हैं, पूरा दिन क्या, अपना पूरा जीवन जो बचाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, वह प्रातः काल में 1-2 घंटा समय स्वयं को दें, उसमें चिंतन करें, उसमें स्मरण करें, भगवान का थैंक यू बोले, और अकेले में बैठिए, उस समय एकांत में बैठिए और अपने आप से कुछ चर्चाएं कीजिए, अपने मन का संगीत सुनिए, अंदर की आवाजें। शरीर पलटा खा गया, बिल्कुल ढल गया, हर रोज आदमी मौत को प्राप्त हो रहा है, हर क्षण हर मिनट में फोटो खींचिए, हर मिनट में आदमी बूढ़ा हो रहा है, हर मिनट में अंतर पड़ रहा है। तो शिव तत्व तो वही है जो अपने कल्याण की बात सोचता है, वही शिव तत्व तो है। शिव तत्व तो वह है जो दूसरे के कल्याण के ही लिए आया है। शिव तत्व तो वह है जिसके अंदर परमार्थ है। शिव तत्व वह है जिसने देना सीखा है।
शिव तत्व वह है कि लोग इतने बढ़िया हो गए हैं, सांप भी उसको डसते नहीं है, बिच्छू डंक नहीं मारते, प्रकृति उनके लिए कभी कुछ बुरा नहीं करती, बर्फ में भी ठंड उसको हिला नहीं सकती, धूप में भी गर्मी उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। ये शिव तत्व है, शिव तत्व कल्याणकारी है। आप सभी देवताओं को पढ़ लें, यदि महादेव को न पढ़ा, शंकर को न पढ़ा, तो सगरी विद्याएं अधूरी हैं बिल्कुल। ये सत्यम शिवम सुंदरम, ये जितने भी ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, संपूर्ण ग्रंथों का सार सिर्फ तीन बातों में है, सत्यम शिवम सुंदरम, तीन के अलावा कुछ नहीं। और ये तीन शब्द भगवान महादेव के हाथ से लिखे गए। ग्रंथों का सार सत्यम, धर्म की तरफ चलो, शिवम कल्याण की तरफ चलो, सुंदरम भक्ति की तरफ चलो, भक्ति को स्वीकार करो, असत्य की तरफ नहीं। असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर मां अमृतगमय। ये तीन सूत्र हैं हमारे उपनिषदों के। हे परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर लेके चलो, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के चलो। उन लोगों का पतन हो रहा है जो अंधकार के दलदल में पड़े हैं। उन्होंने यही सत्य समझ लिया है, पति पत्नी, इस धरती पर पति और पत्नी में इतना स्नेह प्रेम, लैला मजनू की तरह एक दूसरे को छोड़ते नहीं थे, रोते थे एक दूसरे के लिए, लेकिन काल का घंटा बजा तो पता नहीं कौन किससे पहले चला गया, आंख में आंसुओं के अलावा कुछ बचा ही नहीं। ऐसी ऐसी घटनाएं घट गई। संसार में सिर्फ अपने कर्तव्यों को पूरा कीजिए, पत्नी के संग जो कर्तव्य है उन्हें पूरा करो, पति के साथ जो कर्तव्य है वो पूरा करो, नाले का कीड़ा बन करके जिंदगी मत जियो, संसार से थोड़ा बाहर चल करके आइए, अपने आप को पहचानिए, आप कौन है। आपने सिर्फ अपने आप को हाड़ मांस का लोथड़ा मान लिया है, किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी का पुत्र पत्नी, बस यहीं तक सिकुड़ करके रह गए हो। लेकिन गीता पढ़िए, ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, हम उस अंशी के एक अंश है। अपने आप को पहचाने, थोड़ा अपना भी उत्कर्ष करें। पूजेद उपचारश्य मत पदम सुलभम भवेत, क्या कमाल कर दिया, मनुष्य जीवन दुर्लभ है और मनुष्य जीवन में भगवान की आराधना दुर्लभ है। मनुष्य तो बहुत बन करके आए हैं, लेकिन भाग्य तो यह है कि मनुष्य बन करके वो प्रभु आराधना में लगे हों, भगवत स्मरण में लगे हों, समाज के कल्याण में लगे हों, यह बड़ा मुश्किल है। अपने धर्म के ऊपर मुझे और आपको गर्व होना चाहिए। बड़े भाग्य के द्वारा हमें हमारे धर्म में, हमारे सनातन में हमें जन्म मिला है, हमें अब से खुश होना चाहिए। पूजिए उपचारश्य मत पदम सुलभम भवेत, क्या सुंदर लिखा है, मनुष्य जीवन दुर्लभ और मनुष्य जीवन मिलने के बाद परमात्मा से जुड़ना भी बहुत ज्यादा दुर्लभ है। उनकी अर्चना आराधना करना, तीर्थ यात्रा करना, ये बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है, बहुत ज्यादा दुर्लभ है। प्रभु ने यदि यह सौभाग्य दे दिया है, रोजाना आप भगवान को फूल पत्तियां चढ़ा देते हो, महादेव को आप, भगवान शंकर को आप बेलपत्र चढ़ा देते हैं, अक्षत चढ़ा देते हैं, तो ये भाग्य नहीं है क्या? बहुत बड़ा भाग्य, बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। परमात्मा की कृपा के बिना यह सब संभव नहीं होता। एक बार यह करा लगाइए, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जो पचास साल के नीचे के लोग हैं, चाहे स्त्री हों चाहे पुरुष, और डेढ़ महीना एक साल में 45 दिन तीर्थों के लिए निकाले, परिवार के लिए 10.5 महीना, इससे ज्यादा नहीं, 45 दिन तीर्थ यात्रा के लिए, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं 45 दिन। और जो 50 के ऊपर के हैं, गवर्नमेंट ने 10 और कर दिया, 60 मान लो, जो 60 के नीचे के हैं वो 1.5 महीना तीर्थ में निकाले, और जो 60 के ऊपर के हैं वो
10.5 महीना तीर्थों में निकाले, उनके लिए 1.5 महीना घर में बस। तालियां खुशी में बजी हैं। कल टिकट बनवा दें फिर सबकी। इन पन्नों में ये बात लिखिए, 50 के बाद गणित का शब्द बदल जाता है, 51, घर में बहुत रह लिए अब आजा बन, अब बन में। तो कलयुग में 10 साल और बढ़ा दिए हैं, 50 की 60 हो गई है, लेकिन 60 सो पाठा, अब तो 60 में तो पहलवान बन रहे हैं भैया, पहले तो कुछ करा धरा नहीं, अब आकाश से तारे तोड़ करके लाना चाहते हैं 60 में। 60 में कहेंगे महाराज जी एक परचूनी की दुकान खोलेंगे। हमने कहा पहले क्या करते रहे, पहले तो बस ताश खेलने से ही फुर्सत नहीं मिली, पहले ताश खेले, अब 60 में पाठा बनेंगे, पहलवान बनेंगे अब।